भैया का। सबसे पहले तो ये भैया को थैंक यू कि उतना दूर से चल के मेरे पास आया, वो भी आप बाइक से आए हैं। हाँ जी भैया, बाइक से आए हैं भैया, समझ रहे हैं ना, दिल्ली से चल गए हैं। हाँ जी, दिल्ली, दिल्ली से गाजियाबाद से चल के बाइक से आए हैं। इस लाइन में हम कब से जुड़े हुए हैं, ये लाइन हम लगभग आपका 2000 और कंट्रोवर्सी जो पैदा कर दिया था थोड़ा बहुत वहाँ का डीजे वाला। 2025 में आप क्या कहना चाहोगे, अगर आपके पास बुकिंग आती है 2025 की? 2025 की बुकिंग के लिए तो अभी से बहुत सारा फ़ोन आ रहा है, बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहा है। देखिए आप किसका मतलब कौन सा टीम बुक कर पाती है, लेकिन जो भी बुकिंग करना चाहते हैं पहले वो व्हाट्सएप में मैसेज किया करेंगे, उसके बाद ही हम लोग कॉल उठाते हैं। क्योंकि भी आपका नेक्स्ट रोड शो कहाँ देखने को मिल सकता है? मेरा नेक्स्ट रोड शो जो है कि आता है, ऐसा बात नहीं है कि झारखंड में नहीं है, झारखंड में भी बहुत दूर दूर से डीजे आता है बजने के लिए, सबका सम्मानित होता है यहाँ पे, ऐसा तो कोई कंट्रोवर्सी आई तो हुआ नहीं। बर्फी वगैरह पे काम चल रहा है, ये रिपेयरिंग का काम भी होता है यहाँ पे सभी भाइयों को। जब ऑर्डर लगते हैं तो कितने कितने घंटे काम चलता रहता है? लगभग सुबह 3 बजे 4 बजे सुबह। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम। तो भाइयों, आप सबकी डिमांड पे मैं आ चुका हूँ एक और डीजे सेटअप पर, जो कि झारखंड में भी फेमस है भाई, फेमस डीजे हैं, उन सबको मैं विजिट कर रहा हूँ अपने आप में। सभी डीजे यहाँ पे बहुत बढ़िया है और यहाँ भी तावा तोड़ काम चल रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे, सारी चीज़ धीरे धीरे दिखाएंगे, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ मैं कौन से डीजे सेटअप पर आया हूँ और किस से मिलने आया हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई, पंकज कैबिनेट से हम आ चुके हैं फाइनली। आप सबकी डिमांड थी कि भाई जाओ, भाई जाओ, पंकज भैया के पास जाओ, पंकज भैया के पास जाओ, तो पंकज भैया के पास हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं पंकज भैया। कैसे हैं पंकज भैया? ठीक है, बढ़िया है। तो पंकज भैया के पास हम यहाँ पहुँच चुके हैं, अभी पंकज भैया से हम कुछ बातें करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि क्या चीज़ 2025 को लेकर हम बातें करने आए हैं और किस तरीके से क्या चीज़ हो सकती है, क्योंकि आने वाली कांवड़ यात्रा में बहुत सारी चीज़ आपको शायद लेटेस्ट देखने को लिए मिल सकते हैं, बहुत सारे नए डीजे सेटअप देखने को भी मिल सकते हैं, तो सारी अपडेट आपको देते हैं अभी। सर दोस्तों, तो भाई फाइनली मैं भैया के पास पहुंच चुका हूं और हमारे ये भैया हैं जिनका पंकज डीजे सेटअप है, तो इनके पास के लिए मेरे पास इतनी कमेंट आ रही थी, आप भाइयों की इतनी कमेंट आ रही थी कि अगर आप झारखंड जा रहे हो तो भैया से बिल्कुल मिलकर आना। तो भाई मैं आया हूँ और आने के से पहले मैं सबसे पहले भैया को एक चीज़ से सम्मानित करना चाहूँगा। तो पहले हम सबसे पहले कुछ लेकर आए हैं वो भैया को देते हैं, उसके बाद में आगे की बात करते हैं और आगे की आपको जानकारी देते हैं। अभी हमारे भैया का एक छोटा सा तोहफा भैया हमारी तरफ से आपके लिए, जो हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए, जिससे कि आपको हमारी तरफ से कुछ अच्छा सा दे पाए। हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन कोशिश है कि भैया आगे आने वाले टाइम में और अच्छा करेंगे। ये लीजिए, इसका टक्कर नहीं है ये। तो हम भैया के लिए कुछ ये लेकर आए थे और हमारी तरफ से भैया को काफ़ी सारी विशेष है कि भैया का काम आने वाले टाइम में अच्छे से चलता रहे। और अब हम जो बात करेंगे भाई का है, तो भाई यहाँ पे जो सबसे पुराना डीजे सेटअप है वो है हमारे पंकज भैया का, सबसे पुराना, यानी झारखंड में जब डीजे सेटअप्स की स्टार्टिंग हुई है पुराने सेटअप्स में, तो अगर आप सबसे ऊपर टॉप लिस्ट में देखोगे तो पंकज भैया का हमारे का नाम आता है। तो पंकज भैया से पूछते हैं कि भैया आप कब से इस लाइन में हो? हम लोग हैं, सबसे पहले तो आपका जितना भी सब्सक्राइबर भाई लोग हैं, जो भाई लोग कमेंट कर रहे थे, उन भाई लोगों को थैंक यू जो कि हमें चुने हैं आप लोग। और इसके बाद आपका सवाल का जवाब कि इस लाइन में हम कब से जुड़े हुए हैं, ये लाइन हम लगभग आपका 2007 से जुड़े हुए हैं दोस्तों। उससे पहले भी हम लोग छोटा बॉक्स चला रहे थे, जो कि ऑडियो कैसेट से जो होता है, रील वाला कैसेट से, उससे चला रहे थे। और उस टाइम भी हम लोग कॉम्पिटिशन कर रहे थे, तो कि जाके ऑडियो रील में कंपटीशन करना कितना मुश्किल काम होता था, ये तो जो भाई लोग चलाए हैं वही लोग बता सकते हैं, उसमें से एक हम भी हैं, काफ़ी मेहनत करके आगे बढ़े हैं और इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मेहनत भैया ने काफ़ी सारी करी है, यानी कि आप समझ सकते हो ऑडियो वाला भाई, यानी कि पुराने टाइम में जो कैसेट टाइप के वो जो होती थी उस टाइप के जो सेटअप चलाने, तो भाई जान सकते हो कि इतने टाइम से मेहनत कर, और इंसान क्या होता है भाई, मेहनत करके ही कहीं से कहीं पहुंच पाता है। आप सबकी कमेंट इसीलिए शायद मेरे पास बहुत ज़्यादा थी कि आप भैया के पास जाओ, भैया से मिलो, क्योंकि भाई देखो ऐसा है कि सेटअप यहाँ पे बहुत हो सकते हैं, लेकिन माने जाने सेटअपों में जब हमारे भैया का नाम आता है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इतनी दूर से अगर भैया के पास पहुँच सकते हैं तो पहुँचे हम।
और आप सबकी बातों पर हमने भैया के बारे में और भैया के आपको इसको पूरा हम अभी रिव्यू देंगे कि नीचे क्या काम हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना हम दिखा पाएंगे उतना दिखाएंगे, भैया की परमिशन लेकर सारी चीज़ करवाएंगे। तो भैया कुछ बताइए और कि आप कैबिनेट से रिलेटिव क्या क्या आपके यहाँ काम होता है और कैसे होता है। कैबिनेट मेरे यहाँ सारा मॉडल का कैबिनेट बनता है दोस्तों, जैसे कि 15 हो गया, 315 हो गया, 18 हो गया, 615 हो गया, 515 हो गया, 415, सारा मॉडल का कैबिनेट हम लोग के यहाँ पे बनता है। सारे कैबिनेट्स बनते हैं और कैबिनेट्स के साथ साथ जो भी चीज़ यहाँ पे तैयार होती है वो आपको भी थोड़ी देर में और देखने को मिल जाएंगी। और आपको भैया जैसे अब की बार हमारे यहाँ डीजे सार्जन भैया गए थे कांवड़ यात्रा में यूपी में, उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाया था तो काफ़ी अच्छा रहा, जो भी वो छोटे मोटे विवाद हुए उनसे हटकर, क्योंकि विवाद तो ऐसे होते रहते हैं छोटे मोटे, लेकिन उनसे हटकर जैसे वहाँ से उन्होंने नाम कमाया, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। और कंट्रोवर्सी जो पैदा कर दिया था थोड़ा बहुत वहाँ का डीजे वाला का जो मतलब एसोसिएशन था, उन लोग का टाइट नहीं था, टाइट नहीं होने के कारण से ये सब हुआ, नहीं तो नहीं होता। हम लोग भी गए थे वहाँ पे, जाके देखें सारा चीज़ समझें। और मेरा भी बुकिंग का काम इस साल आ रहा था, लेकिन हम लोग को जो पार्टी बुक करना चाह रहा था वो बोल रहा था कि टोले में बांधने के लिए, एक्चुअल हम लोग को टोले में आइडिया नहीं है, इसके कारण से हम काम नहीं उठाएं। अब आगे चल के आप देखिए क्या होता है आगे साल। 2025 में आप क्या कहना चाहोगे अगर आपके पास बुकिंग आती है 2025 की बुकिंग के लिए? तो अभी से बहुत सारा फ़ोन आ रहा है, बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहा है, देखिए आप किसका मतलब कौन सा टीम बुक कर पाती है। लेकिन हम लोग ट्रक पे ही बांध के जाएंगे दोस्तों, जो अगर जाएंगे तो ट्रक पे ही बांधेंगे। जैसे कि अभी आपने वहाँ के बारे में न्यूज़ सुना हो, इस बार वहाँ पे जो अब हमारे गाइडलाइंस हुई हैं वो 24 बेस की हुई है, जो हमारा डीजे एसोसिएशन है मेरठ का, उन्होंने 24 बेस का सेटअप के लिए वहाँ पे ऑथराइज़ किया कि 24 बेस का सेटअप होगा, तो भी आप डीजे ट्रक पे ही बांधेंगे? हाँ, 24 बेस हो चाहे 15 बेस हो चाहे 18 बेस हो, हम लोग ट्रक पे ही बांधेंगे, ट्रक पे ही बांधेंगे। भाई अगर कोई भी हमारा भाई यूपी से देख रहे हैं या कहीं से भी देख रहे हैं, हरियाणा जैसे हमारे काफ़ी भाई है यूपी, हरियाणा, दिल्ली और सभी जगह से कांवड़ यात्रा को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है हमारे इधर से, और सारे ही भाई बड़े बड़े सेटअप ले जाने में इंटरेस्टेड है, तो भैया का कॉन्टैक्ट नंबर भी हम आपके दे देंगे और भैया का अगर आप नाम डालोगे तो आपको वैसे ही भाई मिल जाएगा, सारी चीज़ मिल जाएंगी, इतना बड़े खुद है भैया कि भैया का नाम ही काफ़ी, अगर आपने एक बार डाल दिया ना यूट्यूब पर तो वो आपको खुद ही सारी डिटेल्स दे देगा यूट्यूब। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपको बुकिंग करनी है तो आप बुकिंग कर सकते हो, भैया से आप बात कर सकते हो, लेकिन केवल बुकिंग के लिए आप फ़ोन करना, बिना मतलब फ़ोन मत करना, क्योंकि फ़ोन करके भाई परेशानी होती है। अब आप बिना मतलब फ़ोन करके चार जने ये पूछोगे भैया ऐसे ऐसे तो प्रॉब्लम बन जाती है। जो भी बुकिंग करना चाहते हैं पहले वो व्हाट्सएप में मैसेज किया करेंगे, उसके बाद ही हम लोग कॉल उठाते हैं, क्योंकि कॉल उठाना मुश्किल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा कॉल आता है। अभी तो ट्रेन चल रहा है जैसे गणेश पूजा का, तो उड़ीसा का आ रहा है, छत्तीसगढ़ का आ रहा है, आपका इधर यहाँ की बॉम्बे तक का कॉल हम लोग के पास आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रहा है, तो हम लोग सोच समझ के ही काम उठाते हैं, ऐसे नहीं है कि भाई काम आया और चल दिए, ऐसा हम लोग कर भी नहीं पाएंगे दोस्तों, क्योंकि हम लोग अपने बिजी रहते हैं, कैबिनेट अपना शॉप है, अपना सारा सिस्टम हम लोग नया नया बेचते हैं, इसके इस काम में हम लोग बिजी रहते हैं, तो वो जो है कि बुकिंग चलाना वो हम लोग का शौक होता है, बस एक आध बुकिंग का ही ज़्यादा काम हम लोग नहीं करते हैं। अच्छा, बुकिंग आप करते हैं बस जो कि बड़ी बुकिंग होती है? बड़ी बुकिंग होती है, बड़ी बुकिंग करते हैं। अगर आप में से कोई भी बड़ी बुकिंग बुक करना चाहता है तो भैया से कॉन्टैक्ट सिर्फ वही कीजिएगा, पहले व्हाट्सअप कीजिएगा, व्हाट्सअप करने के बाद आपको कॉल के लिए बोला जाएगा जब आप कॉल कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि कैबिनेट्स को लेकर और बहुत सारे लोकल फ़ोन भी और बाहर से फ़ोन भी बहुत सारे आते हैं जो कि हमारे यूपी से भी आते हैं, हर जगह से भैया को कॉल आती हैं, तो भैया फिर काम में भी लगे होते हैं। भाई देखो सभी का आपको ये भी देखना चाहिए कि भाई किस तरीके से हमारे भैया काम में लगे होते हैं, क्योंकि फ़ोन कर करके हम तो एक बार को परेशान कर सकते हैं, लेकिन वो किस तरीके से अपने काम को सही तरीके से लेकर चल रहे हैं वो सब हमारा देखना फ़र्ज बनता है, तो इसीलिए कॉल करके ज़्यादा परेशान मत कीजिएगा। और अभी आपका नेक्स्ट रोड शो कहाँ देखने को मिल सकता है? मेरा नेक्स्ट रोड शो जो है कि 15 तारीख को है बोकारो में, जो कि सेक्टर 4 में होने वाला है, गणेश मंडली के नाम से क्लब है उन लोग का, वहाँ पे है, हम लोग का झारखंड में बोकारो पड़ता है, झारखंड में बोकारो पड़ता है, नेक्स्ट रोड शो भैया का आने वाला है बहुत ही जल्दी। तो अगर कोई भाई हमारा सुनना चाहता है सेटअप तो वो चाहे तो वीडियो के माध्यम से सुन सकता है, अगर वीडियो के माध्यम से आपको समझ नहीं आता तो आप यहाँ पे आकर, जब भैया अपने YouTube चैनल पर शायद एक्टिव रहते हैं और भाइयों के YouTube चैनल से, जैसे सुमित भाई हैं हमारे, उनके YouTube चैनल से आपको सबको पता चलता रहता है कि कब कौन सा रोड शो कहाँ हो रहा है, तो आप आकर सुन सकते हो, अच्छी तरीके से आराम से सुनो
देखो अगर आपकी समझ में आता है तो बुक जब करो। तो भाई ये सबसे बड़ी बात होती है, लेकिन मेरा एक ही चीज़ कहना है कि अगर आप बुक कर रहे हो तो यहाँ से जो ये भाई जा रहे हैं इनकी पूरी सेफ्टी आप सबके हाथ में होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी किसी तरीके से कोई गलती वहाँ पे करे और उसका यहाँ आकर फिर इस तरीके से पुराने टाइम की तरह यानी 2024 की तरह फिर से कोई कॉन्ट्रोवर्सी हो जाए, क्योंकि 2024 में जो ये चीज़ हुई है ये थोड़ा सा गलत हुई है और उस चीज़ को हम मानते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ इतनी दूर से राइड करके, और मैंने सोचा फिर आया हूँ तो सभी भाइयों से हमारी से मुलाकात हो जाए और भैयाओं से पूछ लिया जाए। भैया यूपी की तरफ से जो हुआ थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप जाना चाहोगे ना अगर आप पे बुकिंग आती है? क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कोई बात नहीं है, सब अपना भाई है। और हम लोग गए थे, बहुत अच्छा लगा वहाँ का आदमी, वहाँ का व्यवहार, वहाँ का मतलब वहाँ से दिल्ली तक, दिल्ली एक्सपो में भी हम लोग गए। अच्छा। बहुत भाई लोग आए हम लोग से, मतलब फ़ोटो वोटो खिंचवाएँ, वो अच्छी तरह से बात हुआ, भाईचारा नहीं, बहुत अच्छा लगा। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गया था, लेकिन वो होता है डीजे लाइन में होता है, ऐसा बहुत बड़ा वो मैटर नहीं था। तो भाइयों इस तरीके की कुछ बात है, भैया का नेक्स्ट रोड शो जल्दी है, आप आ सकते हैं और देख सकते हैं रोड शो अगर आप देखना चाहते हैं। बस ये एक छोटा सा इंटरव्यू मैं ले पाया हूँ भैया का, क्योंकि एक तो इवनिंग टाइम में आया हूँ, काफ़ी लेट हो गया हूँ मैं यहाँ आने में, बहुत सारे बीच में काम चल रहे भाई, आपको पता है सार्जन भैया से मुलाकात मैं कर चुका हूँ, तो अब मैं भैया के पास आया, फिर मैं भैया के पास मिल चुका हूँ। अभी हमारे शशि डीजे वाले भैया भी हैं, उनसे भी मुलाकात, यानी कि हम सबसे मिलकर जाएंगे यहाँ आए हैं तो, और हो सकता है तो और जगह भी देख सकते हैं जैसे भी होगा भैया का। सबसे पहले तो ये भैया को थैंक यू कि उतना दूर से चल के मेरे पास आया, वो भी आप बाइक से आए हैं। हाँ जी भैया, बाइक से आए हैं भैया, समझ रहे हैं ना, दिल्ली से चल गए हैं। हाँ जी, दिल्ली, दिल्ली से गाजियाबाद से चल के बाइक से आए हैं भैया को। कल रात को सुमित हमको मतलब बताया कि ऐसे ऐसा बात है कि आने वाला है एक, आपका नाम? तो मेरा नाम है कपिल शर्मा, चैनल है मेरा विधान शर्मा नाम से, जो भी है भैया का नाम है, और इतना हाँ। दूर से चल के आए हैं भैया को, थैंक यू हम लोग के लिए, ठीक है। आप सबका प्यार है भैया, बस आप सबका प्यार इसी तरीके से, बस हम तो ये चाहते हैं, देखो हम भी चाहते हैं कि आप सबका नाम उधर हमारी तरफ भी हो, जब आप पूरे इंडिया में ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो पूरे इंडिया में ही होना चाहिए। देखो मैं ये नहीं मानता कि ये झारखंड है या बिहार है, मैं तो ये कहता हूँ अगर हम सब हैं तो एक इंडियन है पहले इंडियन, सब इंडियन, इंडियन। क्योंकि झारखंड वाले भाई भी और है तो सब एक ही ना। नहीं नहीं, एक्चुअल डीजे में तो ये कंट्रोवर्सी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर जगह में डीजे, बहुत दूर दूर से डीजे झारखंड में भी आता है, ऐसा बात नहीं है कि झारखंड में नहीं है, झारखंड में भी बहुत दूर दूर से डीजे आता है बजने के लिए, सबका सम्मानित होता है यहाँ पे, ऐसा तो कोई कंट्रोवर्सी आई तो हुआ नहीं, ये पहली बार हुआ है, पता नहीं कुछ कारण से हुआ है, क्या कारण से है ये, शुरू में ही थोड़ा सा वो कर दिया था तो इस चक्कर में हो गया। चलो आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, वैसे आगे से हम, वैसे आपने देखा होगा बहुत सारे सपोर्टर थे और बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट भी किया गया, तो इसी तरीके से आप सब भी आएंगे, बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, और हम भी चाहेंगे कि हम आपके सेटअप्स को भी अपने यूपी में सुन पाएँ। जरूर जरूर। तो भैया का आपको अगर कॉन्टैक्ट नंबर भी हम अपनी चैनल पर डाल देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर भी और नाम भी, हम सब चीज़ आपको देंगे, आप चाहो तो भैया से एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर कह रहा हूँ एक बार कि आप कॉन्टैक्ट जब ही कीजिएगा जब आपको ज़रूरत हो, बिना ज़रूरत के आप कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं सभी भाइयों को। तो जानकारी आपको और देता हूँ पंकज डीजे सेटअप के बारे में, तो मैं अपने चैनल में इसको इंक्लूड कर दे रहा हूँ। अब आपको पंकज भैया का मैं एक बार सेटअप दिखा देता हूँ, किस तरीके का सेटअप है जो यहाँ पे लगा हुआ है, उस सारी चीज़ों को एक बार आपको एक्सप्लोर करवा देते हैं। ये आप देख रहे हो भाई, ये बेस है, ये डबल 15 की भैया की बेस लगी हुई है, और इधर ये भी डबल 15 की बेस लगी हुई है, वो 3-15 की भैया के पास भी, देखो भाई शेर वाली, यहाँ पे भाई शेर का अलग ही जो है भाई, शेर तो शेर ही होता है ना, कहते हैं झारखंड में बहुत सारे शेर हैं, तो ये एक शेर सभी है, तो भाई देख लो। और ये है भैया का डीजे पंकज के नाम से, तो इधर भी लगी हुई है, ये कितने वाली हैं, ये है 4-15, ये सारी की सारी भाई 4-15 की लगी हुई है, और यहाँ सार्फी वगैरह पे काम चल रहा है, ये रिपेयरिंग का काम भी होता है यहाँ पे, तो भाई रिपेयरिंग का काम भी यहाँ चलता रहता है। और ये देख रहे हो आप, ये वाली डिज़ाइन आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, मैंने भी अभी तक नहीं देखी है, बढ़िया लग रही है, पर किंग बहुत बेहतरीन डिज़ाइन लग रहा है ये वाला। और देखो यहाँ पे भी अभी इनका
काम चल रहा है, थोड़े टाइम में ये ऑफिस बन के तैयार हो जाएगा एक बहुत ही बढ़िया, जिसमें सभी भाई आकर बैठा करेंगे। आने वाले टाइम में हमें मौका मिला फिर से आएंगे और फिर से इस वाले ऑफिस में आकर इंटरव्यू लेंगे भैया को और बेहतरीन तरीके से। जब हमारे भैया आपके पास 2025 का मेला करके आए, मैं तो चाहता हूँ 25 में हमारे भैया को भी मौका मिले अपने आप को दिखाने का, बिल्कुल ताबातोड़ तरीके से मौका मिले। और देखो इस तरीके से यहाँ भी इनका काफ़ी सारा माल रखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये भी है और इधर भी रखा हुआ है भाई, यानी काफ़ी तगड़ा सेटअप है यहाँ पे। जो भी सेटअप है ना भाई, बहुत अनलिमिटेड है, देख रहे हो कितना माल लग रहा है, इतना माल है कि भाई हिला के रख दे पूरा। और ये कुछ एम्प वगैरह लग रहे हैं, ये रहे सारी चीज़ भाई, ये देखो यहाँ पे लगे हुआ है, अंधेरा हो रहा है थोड़ा सा, और ये सारी चीज़ लगी हुई है एम्प वगैरह जो ये यूज़ करते, तो ये सारी चीज़ इनकी यहाँ पे लगी हुई है, सर्फी वगैरह की लाइट यहाँ लगी हुई है, ये कुछ बेस यहाँ पे लगी हुई है भाई साहब, जबरदस्त जबरदस्त देख लो। और नीचे दिखा देते हैं आपको एक बार, जहाँ पे कैबिनेट तैयार हो रही है वहाँ को, और आपको एक बार टूर दे देते हैं, चलो नीचे का टूर एक बार आ जाए नीचे सुमित भाई, ले लूँ तो भाई। चलो नीचे मैं आपको कैबिनेट का वो दिखा देता हूँ कि कैसा है वहाँ पे, क्योंकि आपको वहाँ का दिखाया है तो यहाँ का भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैबिनेट कहाँ पे बनते हैं। सबसे पहले यहाँ से एंट्री होती है और पंकज भैया का नाम है यहाँ पे बोर्ड, और ये सारे भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं सभी भाइयों को। यहाँ पे देखो फिर इनका एक जनरेटर खड़ा हुआ है और ये कैबिनेट का काम चल रहा है, तगड़ा कैबिनेट का काम है पंकज भाई का भी, बहुत ही तगड़े वाला। यहाँ पे देख सकते हो ये डबल का है, ये भी डबल के हैं, ये भी डबल का है, ये यानी सारे के सारे आप डबल के देख रहे हो, जिस तरीके से हर जगह काम चलता है यहाँ कैबिनेट का। ये डबल है ट्रिपल है, ये तीन के हैं भाई, ये सारे तीन के हैं, ये तीन बॉक्स, ये सारे तीन के हैं, ये सारे तीन तीन के हैं। और यहाँ पे आरा मशीन होगी उसी तरीके से देख रहे हो आप, ये लकड़ी वगैरह भी भाई बहुत नेक्स्ट लेवल काम चलता है। और सबसे बढ़िया बात भाई, पीछे जानदार व्यू, हरियाली जिसे कहते हैं व्यू, ये चीज़ होती है ना बढ़िया, एकदम नज़ारे हैं यहाँ पे। इनका कटर वगैरह जो चीज़ है लगा हुआ है, और यहाँ पे कटिंग होती है, यहाँ पे कटिंग होती है आपकी, यहाँ पे कटिंग करते हैं, और यहाँ पे सारी यानी छटाई वटाई जो भी छोटी मोटी होती है इनके यहाँ इस जगह पर होती है। और एकदम बढ़िया भाई, दो तीन मंजिल करके बनाया हुआ है, आओ देखो। और देखो कितने सारे सामान वैसे ही भाई आप देख सकते हो भाई, यहाँ पे डीजे सेटअप्स के साथ ना, ये बड़े डीजे सेटअप्स हैं, इनको आप इस तरीके से नहीं ले सकते कि छोटे भाई, बहुत तगड़े वाले और ज़बरदस्त वाले सेटअप्स हैं यहाँ। काम जो चलता है ना दिन रात चलता रहता है ज़्यादातर, तो 12-12, 13-13, 14-14 घंटे जब ऑर्डर लगते हैं तो कितने कितने घंटे काम चलता रहता है, लगभग सुबह 3-4 बजे तो कंटिन्यू चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है भाई साहब। तो इस तरीके से, और देखो इनकी यहाँ पे प्लाइयाँ लगी हुई हैं, जिन प्लाइयों से कैबिनेट बनते हैं, ये लगी हुई है, 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 और शायद इधर भी लगी हुई है भाई, इतनी लगे हुए हैं। और कैबिनेट ही कैबिनेट आप देखोगे ना यहाँ पे, केवल वो कैबिनेट हैं जो अभी तैयार नहीं हुए हैं, तैयार होंगे बाद में, और ये कैबिनेट ही कैबिनेट है। ये जो कैबिनेट के ऊपर जाली लगी हुई है, तैयार है या कैबिनेट ही है खाली? तैयार ही है। अच्छा वो तैयार है, वो तैयार हैं, इधर ये तैयार है शायद, वो भी तैयार हैं, ये अभी रह रहे हैं, ये तीन के हैं जो भी आप, मुझे देखो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैंने मेरे चैनल पे आप सभी को पता है, ये यहाँ पे तैयार हैं, ये भी तैयार है। तो इस तरीके का कुछ यहाँ पे है। अगर आपको कैबिनेट से रिलेटिव किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए तो अभी आप पंकज भैया से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं बहुत ही अच्छे रेट में और सही तरीके से। आपको जो भी चीज़ चाहिए, यानी कि अपना सारी डिटेल्स आपको वो दे देंगे कि किस तरीके से क्या चीज़ आपको मिल सकती है, कितने में हो सकती है, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, सारी जानकारी जो आप चाहो पंकज भैया से ले सकते हो। पंकज भैया का फ़ोन नंबर और सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाओ और फटाफट फटाफट सारी जानकारी लो और ताबा तोड़ मचा दो भाई। देखो फ़ोन वही करना जिसको ज़रूरत है, अदरवाइज़ फ़ोन वैसे मत करना। बहुत ही अच्छा सेटअप है, और यहाँ पे देखो पूरा नीचे जाने का रास्ता बना हुआ है, यानी कि मेन रोड पे ही है। अगर मेन रोड से आओगे तो कहीं गली वली में आपको नहीं जाना है, मेन रोड पे ही भैया का शॉप पड़ता है ये वाला भाई साहब, देख रहे हो ये बनना है, अभी बन के तैयार हो जाएगा कुछ टाइम में। और हमारी लक्ष्मी यहाँ पे खड़ी है, इसे कल को साफ़ करवाएंगे, और कल को साफ़ करवा के शायद हम
कल रिटर्न भी हो जाएंगे यहाँ से, अगर इस तरीके का माहौल रहा तो कल से यहाँ से अपनी वापसी की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। यह है पंकज भैया का नंबर, एक बार यहाँ से देख सकते हैं आप, और इनका ये ऑफिशियल चैनल है, ये इनके चैनल का नाम है। अगर आपको टेस्टिंग वगैरह सुननी है या कुछ भी करना है तो ऑफिस पे जाकर सुन सकते हैं। फिर आइए भैया। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद भैया का कि हमको भैया ने काफ़ी सारा सम्मानित किया, यहाँ पे आए। अच्छा लगा मुझे कि मैं इतनी दूर से चल कर आया, और ये यहाँ की बहुत बड़ा रीति रिवाज है जो कि आप देख रहे हैं, तो मेरे लिए ये हमेशा यादगार रहेगा कि मैं इतने किलोमीटर चल कर आया और मुझे ये चीज़ जो तोहफा है ना, इन्हें संभाल के रखा जाएगा भाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जितने भी यूट्यूबर भाई लोग हैं जो भी बाहर से हैं, सबका सम्मानित करते हैं हम कभी किसी को गलत सब बोले नहीं है ना, कभी बोलेंगे, सबके लिए प्यार मोहब्बत का ही बात करते हैं, और दिल से आप लोग को मतलब क्या बोले, सब पे खुश रहे, हम भी खुश रहे, आप सब दुनिया हमारे भैया थोड़े से अभी भाई हिचकिचा जाते हैं। मैं देखिए क्या एक्चुअली आपको बताते रहे, भैया जो है सोशल मीडिया से बहुत ही ज़्यादा दूर है शुरू से, इनके सोशल मीडिया अभी भी बहुत ऐसी चीज़ है जो नॉलेज नहीं है, अभी इतना बोल ले रहे वही बहुत है भाई। देखो शुरुआत में सभी ऐसा होता है, और अच्छी तरीके से हम सारी चीज़ें करते हैं। सोशल मीडिया में हम कभी बोले ही नहीं, इसलिए थोड़ा सा बोलने में हिचकिचा जाते हैं, और आने वाले आदत डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कांवड़ मेले में बहुत सोशल मीडिया भाई, आपको पता है भैया, आपको पता है कि हमारे यहाँ भाई मीडिया वाले बहुत ज़्यादा इस चीज़ क्वेश्चन करते हैं, उसका जवाब भी देना पड़ता है बिल्कुल समझ के। हाँ जी, इसलिए थोड़ा सा तेज होना पड़ता है। और फिर से एक बार भैया को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सम्मानित किया, बहुत बहुत धन्यवाद।